नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मजदूरी का हिसाब करना सीखेंगे, मजदूरी का हिसाब। तो आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मजदूरी का हिसाब आप काफ़ी आसान तरीक़े से सीखने वाले हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को भी आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 8 मजदूर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को 5 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे। समझ रहे हैं ना, अगर 8 मजदूर हैं तो वह काम जो है 20 दिनों में समाप्त हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है। वहीं पर 8 मजदूर हैं, वहीं पर मजदूरों की संख्या 5 कर दिया जाए तो यह कार्य कितने दिन में होंगे ना, यही ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, 8 मजदूर उस कार्य को 20 दिनों में करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में 8 मजदूर, क्या लिखेंगे, 8 मजदूर। ये जो 8 मजदूर है ना, जो कार्य है उसको 20 दिन में समाप्त करते हैं, कितने दिन में, 20 दिन में। समझ रहे हैं ना, 8 मजदूर 20 दिनों में करते हैं। अब देखिए मजदूरों की संख्या 5 हो गई तो कार्य कितने दिनों में होंगे ना, यही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए 5 मजदूर कितने दिनों में करेंगे, यह निकालने के लिए करना क्या है, सिंपल सा। सबसे पहले हमको यह पता करना होगा कि उस कार्य जो 20 दिन में 8 मजदूर कर रहे हैं, उस कार्य को एक मजदूर कितने दिनों में समाप्त करेगा। अगर एक मजदूर कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी दिन की संख्या निकल जाती है ना, 5 मजदूर कितने दिन में करेंगे, यह आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए करना क्या है, सिंपल सा, हमको एक मजदूर का निकालना है। तो करना क्या है, देखिए जहाँ पर है 8 मजदूर, यहाँ पर हम लिखेंगे एक मजदूर, क्या लिखेंगे, एक मजदूर। अब देखिए 8 जगह मैंने एक कर दिया तो 8 मजदूर 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक मजदूर कितना दिन में करेगा, तो ये जो 8 है ना इसको 20 में गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, 20 में 8 का जो है गुना कर देंगे, और दिन है तो दिन लिख देंगे। देखिए काफ़ी आसान है, मैंने क्या किया, 8 मजदूर 20 दिन में कर रहे हैं तो एक मजदूर कितना दिन में करेंगे, तो जो यहाँ पर 8 मजदूरों की संख्या थी ना, इसमें मैंने दिन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर एक मजदूर और इसका कार्य यानी कितने दिनों में होगा, तो यहाँ पर 20 का गुना करना है 8 में, तो 8 दूने के 16 और 8 का गुना 0 में, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 160 दिन में एक मजदूर उस कार्य को कर रहा है। लेकिन हमको पता करना है कि उसी कार्य को 5 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए सिंपल सा, जब एक मजदूर 160 दिनों में कर रहे हैं तो 5 मजदूर का निकालने के लिए करना क्या है, देखिए ये जो एक है ना, एक मजदूर है, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मजदूर है तो मजदूर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक मजदूर कितने दिनों में करेंगे, यहाँ पर दिन की संख्या दिया गया है, यहाँ पर मजदूरों की संख्या दिया गया है, हमको 5 मजदूर कितने दिनों में करेंगे यह हमको निकालना है। तो देखिए जो मजदूरों की संख्या, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो दिन की संख्या है ना, इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे, और दिन यानी डेज है तो डेज लिख देंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखिए सिंपल सा, जब एक का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो ये हो जाएगा आपका 5, मजदूर है तो मजदूर। अब देखिए यहाँ पर 160 में डिवाइड करना है 5 से, तो 5 तिहाई का होता है 15, लेकिन यहाँ पर है 16, तो इसमें से एक बचेगा, उस एक को इस जीरो के पहले लगाएंगे तो जगह 10, और 5 के पास हम 10 दो बार में आता है, यानी 5 मजदूर उस कार्य को 32 डेज यानी 32 दिनों में पूरा करेंगे, यानी लगभग एक मंथ 2 दिनों में 5 मजदूर उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। और इसी तरीका से मजदूरी का हिसाब किया जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।